गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ एडिशन वाले समय। अब थोड़े हार्ड है, पहले तो इजी सिखाए थे मैंने, अब थोड़े उससे हार्ड डिजिट वाले सिखाऊंगी। ध्यान से इस वीडियो को देखना और नोटबुक में करते जाना, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। चलो शुरू करते हैं। 16 और 82, 16 में 82 ऐड करेंगे कितना होगा आपको बताना है। 16 में 82 ऐड करेंगे कितना होगा? तो 6 और 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 है, तो 6 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 8 और 8 over 1 9, यानी हो जाएगा 98। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ये वाला सही। नेक्स्ट है 73 और 22। 73 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 73 22, 3 और 2 5, 7 और 2 9, यानी 95 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 12 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 12 और 15, सबसे पहले तो आपको 5 और 2 को ऐड करना है, ऐसे लिखकर 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 27। नेक्स्ट है 62 और 3 लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे लिखा है 62, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ पे 98 लिखा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 98 में से 62 को माइनस कर दोगे। तो 98 में से 62 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, और 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 36, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आ जाएगा? 6। तो देखो, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 98 आराम से आ जाएगा। देखो, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, और 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9, 98 आ गया ना, 98, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36, यानी 6। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 6 लिखा हुआ है, नीचे 23, तो इसमें हम क्या करेंगे? बताया था मैंने कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो आंसर होता है 89 आंसर है, उसमें से जो 2 डिजिट वाले दिए हुए हैं उसको माइनस कर देंगे, यानी 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 6, और 8 में से 2 माइनस करेंगे ये भी कितना हो जाएगा? 6, 66, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 6 आएगा। नेक्स्ट है 5, और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और 36 है, इसमें भी कैसे करेंगे बच्चों? इसमें देखो, इसमें भी क्या करेंगे? 86 लिखेंगे और 36 माइनस कर देंगे, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 0, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, यानी 50, यानी 5, और क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा है वहाँ पे क्या लिखना है हमें? 0। नेक्स्ट है 15 और 34, यानी 15 में 34 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 15 में 34 ऐड करेंगे, 15, 34, 5 4 9, 3 1 4, यानी 49 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 49। नेक्स्ट है 53 में 35 अगर ऐड करते हैं हम, 53 में 35, यहाँ पे ले लो क्वेश्चन, 53 35, 5 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा? 8, और 5 और 3 8, 88 हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 44 और 44, यानी 4 4, ये तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है 43 और 43, यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6, और 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8, यानी 86। नेक्स्ट है 51 और 17, यहाँ पे देखो 51 और 17 ऐड करेंगे क्या होगा? 51 17, 51 17, 7 1 8, 5 1 8, यानी 88 हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, यह हो जाएगा 51 और 17, यानी 7 1 कितना हो जाएगा? 7 1 8, और 5 1 6, 68 हो जाएगा, 88 नहीं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 68।
वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ, वो क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताना कि उसका आंसर क्या होगा। देखो 53 है और 44 है, तो 53 और 44 को आपको ऐड करके बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैं दूंगी आपको, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 दूंगी, यहाँ पे 46 दूंगी। ये आपको करके दिखाना है। यहाँ पे आपको 46 में से 23 इसको भी ऐड करके मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।